हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल डाटा एंट्री प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा जिसका नाम है एम्प्लॉय डाटा एंट्री प्रोजेक्ट। इसको मैंने PHP फ्रेमवर्क के अंदर कोडिंगनेटर पे बनाया है जो अभी लेटेस्ट वर्जन 3.1.10 चल रहा है और एजेक्स से बनाया है। कोडिंगनेटर और एजेक्स की मदद से ये प्रोजेक्ट बनाया है। CSS फ्रेमवर्क हमने इसमें यूज़ में लिया है, मेटेरियलाइज CSS, और डेवलपर एंड डिज़ाइनर है दीपक टेलर। तो इस प्रोजेक्ट का डेमो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें हम कर रहे हैं एम्प्लॉय को इंसर्ट करा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और शो करा रहे हैं, ठीक है। ये हमने इंडेक्स इंडेक्स फंक्शन को खोल लिया है, एंटर करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, यानी कि लोड हो गया है। प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय डाटा, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है। तो इसमें हमने क्या क्या कर रखा है, इसमें हमने कुछ रिकॉर्ड है जो यहाँ पे शो करा रखे हैं जो एजेक्स की मदद से शो हो रहे हैं यहाँ पे। और हमने इसमें दिया हुआ है एक बटन है डिलीट एम्प्लॉय का, एक बटन है अपडेट एम्प्लॉय और एक बटन है व्यू डिटेल, और यहाँ पे एक बटन है ओपन मेन्यू। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है होम है, ऐड एम्प्लॉय है, व्यू एम्प्लॉय है, बैकग्राउंड कलर सेटिंग है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऐड एम्प्लॉय पे। तो यहाँ से हम एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक एम्प्लॉय ऐड कर देता हूँ। सूरज शर्मा जैसे इसकी पोस्ट है, ये है वेब डिज़ाइनर, ठीक है। इसकी जॉइनिंग डेट में दे देता हूँ 2019/04/20। सैलरी में हम दे देते हैं 14,500। लोकेशन में देता हूँ इसकी जयपुर। सेव एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है, मॉडल आ गया हमारा, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सेव इन योर डाटाबेस, ठीक है। अभी हमने पेज रिफ्रेश नहीं किया है लेकिन सूरज शर्मा का रिकॉर्ड इसमें शो कर दिया है, यानी कि ये हम काम कर रहे हैं एजेक्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी काम होगा बिना पेज रिफ्रेश के ही हो जाएगा। तो एक काम हमने किया है, सबसे पहले इसको इंसर्ट कर लिया, तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं जैसे कि ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट बटन पर क्लिक करूँगा, कन्फर्मेशन मॉडल आ गया, एग्री करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है, ये मॉडल में बस टेक्स्ट दूसरा आ रहा है, एग्री करेंगे, ओके, ये हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, ठीक है। अगला काम हमारा क्या है कि अपडेट कराना। जैसे अभी हमने इसको इंसर्ट किया था तो हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि सूरज शर्मा वेब डिज़ाइनर नहीं है, एंड्रॉयड डेवलपर है, ठीक है। और इसकी सैलरी जैसे कि मान लीजिए 18,500 रुपये है और लोकेशन सेम है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं इसे गलती से बाहर क्लिक हो जाता है तो ये मॉडल क्लोज नहीं होगा, यानी कि हमने इस पर भी वैलिडेशन लगा रखा है कि बाहर क्लिक करें तो मॉडल बंद नहीं हो। अपडेट एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे, कन्फर्मेशन मॉडल आ गया फिर से कि अपडेट करना चाहते हैं, अगर हाँ तो ये अपडेट कर देगा, नहीं तो वापस ही मॉडल पे आ जाएगा। तो अपडेट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, हमने किसको सेलेक्ट किया, सूरज शर्मा को, और ये इसका रिकॉर्ड है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे एग्री पे, ठीक है, हो गया हमारा कन्फर्मेशन मॉडल। एंड्रॉयड डेवलपर हमने चेंज किया था, 18,500 हमने सैलरी बताई थी। और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि जैसे मान लीजिए इस वाले रिकॉर्ड को मैं देखना चाहता हूँ, क्लिक किया, ये उसकी डिटेल आ गई। अब जैसे कि मैं दूसरे को देखना चाहता हूँ तो ये दूसरे की डिटेल आ गई, ठीक है। तो ये सारे हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ एजेक्स पे कर रहे हैं और बिना पेज के रिफ्रेश पे हम काम कर रहे हैं। और इसमें अगली चीज़ क्या है, बैकग्राउंड कलर सेटिंग है, जिसमें से बैकग्राउंड का कलर दिया हुआ है, जैसे कि नेवबार बैकग्राउंड कलर है, ओपन मेन्यू बटन कलर है, बटन ग्रुप का कलर है। जैसे कि मैं नेवबार का कलर कर देता हूँ ऑरेंज, तो ये हमारे नेवबार का कलर ऑरेंज हो गया, मैसेज भी आ गया हमारे पास। और इसके अंदर क्या है, ओपन मेन्यू बटन का कलर भी जैसे कि मान लीजिए मैं ऑरेंज ही कर देता हूँ, नेवबार बटन, ठीक है, मैसेज तो सेम आ रहा है, बटन का कलर चेंज हो गया। और इसमें लास्ट ऑप्शन क्या था, बटन ग्रुप का कलर भी चेंज कर सकते हैं, क्लिक किया ऑरेंज पे,
और ये हमारे पर टॉस्क मैसेज आ गया और ये हमारा तीनों का कलर चेंज हो गया। तो ये हमने काम किया है ओनली एजेक्स और कोऑर्डिनेटर से। अभी मैं इसका कोड दिखाता हूँ। कोड में जैसे कि सबसे पहले कंट्रोलर का कोड देख लेते हैं। ये हमारा कंट्रोलर है जिसमें से कुछ फंक्शन बना रखे हैं हमने, और इसके बाद जैसे कि मॉडल पे आ जाते हैं, मॉडल में भी थोड़े से ही फंक्शन है क्योंकि हमने चार ऑपरेशन कराए हैं अभी इसके अंदर और कुछ भी नहीं किया, और सिर्फ हमने ये सिंगल पेज पे किया है। कोई इसमें दूसरा पेज इंसर्ट नहीं हो रहा या कोई दूसरा पेज लोड नहीं हो रहा, सिर्फ सिंगल पेज पे हमने काम किया है एजेक्स की मदद से, कि बिना पेज रिफ्रेश किए हमने डिलीट कर दिया डाटा को, इंसर्ट करवा रखा है, अपडेट कर रहे हैं और रीड और व्यू भी कर रहे हैं। ठीक है, चारों काम हमने करा रखे हैं एजेक्स की मदद से। अगर आप इस प्रोजेक्ट को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जाना है अपन को गूगल पे और इसमें सर्च करना है PHP डेवलपर डीसॉक सर्विस। ठीक है, एंटर करूँगा तो यहाँ पे जो वेबसाइट आ रही है www.dsocservice.co.in, इसको ओपन करना है। और जैसे ही ये ओपन हो जाएगी तो इसके बाद नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे हम यहाँ पे, इस वाले सेक्शन में आना है, गेम वाले सेक्शन में। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे को ये दूसरे सब डोमेन पे ले गया जहाँ पे ये कुछ ऐड दिखा रहा है। तो ये हमारी एक गेम की वेबसाइट है जिसको हमने बनाया है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वो इमेज पे क्लिक करना है जो हमारे द्वारा बनाई गई है। इसमें कई सारी इमेज है जो लग रहा है गूगल एडसेंस के ऐड चल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ इमेज है जो हमने बनाई है। तो आपको इस गेम को 8 पॉइंट तक खेलना है। अगर 8 पॉइंट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको हमारे को इस पेज का स्क्रीनशॉट इस वाली ईमेल आईडी पे सेंड कर देना, जहाँ से हम आपको जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया है इसका हम लिंक सेंड कर देंगे जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।